Hi guys, my name is Arpita Goyal and I'll be discussing a very important topic with you all from UPSC and other government exams point of view. Our topic is NATO, North Atlantic Treaty Organization. सब लोग सुन रहे होंगे नाटो नाटो आजकल बहुत चल रहा है. नाटो आखिर है क्या? रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, दैट एवरीवन नोस. तो नाटो उसी के अंडर हम सुन रहे हैं बहुत ज्यादा. तो नाटो है क्या? रशिया को नाटो से प्रॉब्लम क्या है? यूक्रेन नाटो का पार्ट क्यों बनना चाहता है? नाटो वर्क कैसे करता है? नाटो के मेंबर्स कौन कौन है? यूएस का उसमें क्या रोल है? और इंडिया जो नॉन अलाइंड रहता है, क्या इंडिया भी अब नाटो के टुवर्ड्स जा रहा है या इंडिया स्टिल रशिया के टुवर्ड्स ही इंक्लाइंड है? सारे क्वेश्चंस हैं, आज हम उन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक चीज देखते चलते हैं. बिफोर वी स्टार्ट, आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन. वेन वॉज नाटो फाउंडेड? यू हैव फोर ऑप्शन. 17th January 1954, 4th April 1949, 3rd July 1948 एंड 24th November 1946. जो भी करेक्ट आंसर है कॉमेंट सेक्शन में जल्दी 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 आंसर कर दो. एंड ऑफकोर्स अगर ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखोगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा. ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. सो नाउ वाई इज इट इन न्यूज? क्यों है ये न्यूज में? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से है. रशिया इज सेइंग, पुतिन इज सेइंग कि नाटो है एक रीजन जिसकी वजह से वो ये वॉर कर रहे हैं. नाटो का एक्सपेंशन ईस्टर्न यूरोप में, और वो जैसे रशिया को एनसर्कल कर रहा है, अपनी वेपनरी डिप्लॉय कर रहा है, अपनी बेसिस क्रिएट कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है इस पूरी वॉर के पीछे. और इस वॉर की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ही हम ये नाटो का टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं. अदर देन दैट, फ्रांस एंड जर्मनी एंड सेवरल अदर कंट्रीज नाउ दे आर सेंडिंग द आर्म्स एंड एमिनेशन टू यूक्रेन. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्वीडन एंड फिनलैंड, दे हैव ऑल्सो कंसिडर्ड ज्वाइनिंग नाटो नाउ. ये नाटो के मेंबर अभी नहीं है, बट दे हैव ऑल्सो कंसिडर्ड ज्वाइनिंग नाटो. और जिसकी वजह से रशिया ने अगेन बहुत ही एक हार्श रिस्पॉन्स दिया है, जिसको लगता है मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी वो दे सकता है इन दोनों कंट्रीज को अगर वो नाटो ज्वाइन करते हैं तो. रशिया इज वेरी मच अगेंस्ट नाटो एंड रशिया इज सेइंग कि जो भी अगर नाटो और एक्सपेंशन होता है और मेंबर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और सिवियर होंगे. ये देख लो, ये यूक्रेन है, ये रशिया है, यहाँ से रशिया आगे पूरा जाता है कंप्लीट एशिया की साइड. अभी मैप में हम देखते हैं ये इनके बॉर्डरिंग एरियाज है और ये क्रिमिया है, ये 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था. ओके, सो ये सारी चीजें हैं. नाउ वी गेट इनटू इट वन बाय वन. ओके, सो व्हाट इज नाटो? ये नाटो का लोगो है. नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दिस. इसका इसको हम और क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ अटलांटिक अलायंस. ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिलिट्री अलायंस, यू नीड टू रिमेंबर दिस. बहुत अलग अलग टाइप के अलायंसेस होते हैं, पॉलिटिकल अलायंस होता है, इकोनॉमिक अलायंस होता है, तो ये मिलिट्री अलायंस है इंटर गवर्नमेंटल. इंटर गवर्नमेंटल मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज गवर्नमेंट्स, दे आर कमिंग टूगेदर टू फॉर्म दिस अलायंस. ओके, बेस्ड ऑन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी विच वॉज साइंड ऑन 4th April 1949. सो यू गॉट योर आंसर फॉर द क्वेश्चन. 4th April 1949 को साइन हुआ था. दिस वॉज एस्टैब्लिश बाय वॉशिंगटन ट्रीटी. अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस. ओके, नाउ नाटो की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, दिस आर्टिकल 5. वॉट इज इट? आर्टिकल 5 स्टेट्स दैट इफ एनी ऑफ द मेंबर ऑफ नाटो इज अटैक्ड बाय एनी नॉन मेंबर, मतलब अगर कोई भी मेंबर इस अलायंस का, चाहे वो यूरोप में हो चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में हो. हम मैप देखते हैं अभी नाटो का क्या क्या है. तो वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में है मेजरली. तो अगर उनका कोई भी मेंबर उस पर कोई भी अटैक करता है तो वो अटैक सिर्फ उस कंट्री पे नहीं माना जाएगा, वो अटैक पूरे नाटो पे माना जाएगा. तो नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब पे वो अटैक माना जाएगा. एंड देन ऑल द कंट्रीज वर मेंबर ऑफ नाटो, दे आर गोइंग टू कम टुगेदर एंड डिफेंड देमसेल्व्स एंड गिव रिप्लाई टू द कंट्री अटैकिंग देम. ओके, द नॉन मेंबर हुज अटैकिंग देम. ऑलराइट, कंसीडर्ड एन अटैक ऑन ऑल मेंबर्स दैट इफेक्टिवली पुट वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप का पूरा पार्ट नाटो के अंडर रहता है, अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफ द यूएस.
दिस इज अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफ द यूएस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूएस ने ही स्टार्ट किया था अलॉन्ग विद ब्रिटेन, दैट इज यूके यूनाइटेड किंगडम, उसके साथ यूएस ने स्टार्ट किया था. तो ये एक तरीके से यूके की गाइडेंस सुपरविजन के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन या अलायंस चलता है. तो यूएस की अम्ब्रेला के अंडर आता है. तो बेसिकली लेमन टर्म्स में लोग ये बोलते हैं कि यूएस डिफेंड करेगा अगर नाटो के किसी भी मेंबर कंट्री पे अटैक होता है. वाई इज दैट सो? सो दैट वो कंट्रीज अपनी डेवलपमेंट पे फोकस कर सके रादर देन देयर सिक्योरिटी एंड देयर डिफेंसेज, बिकॉज देन द एंटायर अलायंस इज गोइंग टू कम टुगेदर टू डिफेंड देम इफ द नीड अराइजेस. ओके, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में. अगेन यू नीड टू रिमेंबर दिस फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ऑलराइट, मूविंग ऑन. नाउ नाटोस प्रोटेक्शन इज अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्सेज. ओके, ये जो आर्टिकल 5 हमने देखा, दैट इज अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्सेज, दैट डज नॉट एक्सटेंड टू मेंबर्स. सिविल वॉर्स, इंटरनल वॉर्स जितने भी होते हैं और इंटरनल कूज होते हैं, जैसे टर्की में हुआ तो तब नाटो नहीं आया. टर्की इज अ मेंबर नेशन. टर्की के लिए तब नाटो नहीं आया. कब आएगा टर्की के लिए? अगर कोई एक्सटर्नल कोई फोर्स होती है, देन इट विल कम. नाउ नाटो इज फंडेड बाय इट्स मेंबर्स, बट ऑफ कोर्स अगेन यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीब्यूट्स रफली 3/4 ऑफ नाटोज बजट. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये यूएस की ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, बिकॉज 3/4 तो यूएस ही कंट्रीब्यूट करता है. अदर देन दैट, बाकी कंट्रीज को अपने 2% ऑफ जीडीपी देना होता है, जो कि अभी ओनली 10 कंट्रीज दे पा रही है आउट ऑफ ऑल दी मेंबर्स. नाउ व्हाई वाज नाटो फॉर्म्ड? यही है मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट व्हाई वाज इट फॉर्म्ड, रीजन क्या था नाटो को फॉर्म करने का. ओके, लेट्स डिस्कस दैट. Organization was formed as a means to ensure collective security in Western Europe. So collective security कैसे हुई? Again under Article 5, एक country, एक nation, एक member के ऊपर attack होता है, then all the nations are going to come together. So collective security in Western Europe. Because NATO started from Western Europe along with two countries of America, Northern America, the US and Canada. Okay? Now what happened? World War II ended. Okay? Came to an end. वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ. दो मेजर पावर्स थे, द यूएस एंड द यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत यूनियन भी बोलते हैं. ठीक है, ये दोनों टुगेदर थे वर्ल्ड वॉर में, एक अलायंस था इनका. बट टूवर्ड्स द एंड, जैसे एंड हुआ, इनके जो रिलेशंस थे वो खराब हो गए. और जब इनके खराब हुए रिलेशंस, तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ. कोल्ड वॉर को अभी हम डिस्कस करते हैं वेरी सून. तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ. अब यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था, उसने क्या किया? वो यूरोप में अपना कम्युनिज्म फैलाना चाहता था. राइट, दे वांटेड टू स्प्रेड कम्युनिज्म. एंड यूएस जो था, यूएस वांटेड टू स्प्रेड इट्स वे ऑफ लाइफ विच वॉज कैपिटलिज्म. दोनों में डिफरेंसेस अभी देखते हैं. कम्युनिज्म यूएसएसआर स्प्रेड करना चाहता था सोवियत यूनियन, एंड कैपिटलिज्म यूएस स्प्रेड करना चाहता था. राइट, तो यूएस ने क्या किया, अपनी कैपिटलिज्म के लिए नाटो को बना लिया, नाटो स्टार्ट किया, सो दैट इट कैन स्प्रेड कैपिटलिज्म. Now, कितने members थे initially? 12 members थे, which are here. Let's discuss them. Now, at present, there are 30 members. Don't forget this. Currently, there are 30 members. This number is very important because Ukraine अभी part नहीं है. Ukraine के होने से 31 होते, अभी 31 नहीं है. अभी there are currently only 30 members. All right. The most recent member, again, prelims point of view से, is North Macedonia. North Macedonia, which got added to NATO in 2020, 27 March 2020. This is a Balkan country. Okay, Balkan and Baltic country may be difference. अभी discuss करेंगे. North Macedonia है. What are the 12 countries that were the founding members? Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, United Kingdom, United States. See, United States and Canada from North America. Rest Western Europe, right? So that is why नाटो वॉज फॉर्म्ड. अब ये क्या हो रहा था कम्युनिज्म कैपिटलिज्म में, क्यों यूएस ने बनाया और रशिया ने पहले क्या किया, लेट्स डिस्कस ऑल दैट. कोल्ड वॉर भी कैसे स्टार्ट हुआ. ऑलराइट, ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द मैप फर्स्ट. ये जो लाइट ब्लू कलर है, दीज आर ऑल द फाउंडिंग मेंबर्स, एंड नाउ करंटली देयर आर 30 मेंबर्स. सो दीज आर ऑल द डार्क पार्ट, द न्यू मेंबर्स. सो यू कैन सी ऑलमोस्ट द एंटायर यूरोप इज अंडर नाटो नाउ. राइट, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स भी नाटो के ही मेंबर्स हैं. The current situation is this. So you see here Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, Romania, Bulgaria, Turkey, Greece. Almost सारे countries हैं. इसीलिए Russia बोल रहा है. Russia यहाँ से start हो जाता है. Russia यहाँ से start हो जाता है. तो Russia बोल रहा है कि you are surrounding me now. NATO के members हैं तो weaponry भी आ जाती है, bases भी बन जाते हैं, and all those things happen. That is why Russia is saying this. Okay, moving forward, capitalism and communism. Okay, so capitalism and communism, hota kya hai?
कम्युनिज्म इज दिस साइड, मैंने जानबूझ के ऑपोजिट लिखा है सो दैट आप फोकस करो क्या चीज क्या है. कम्युनिज्म क्या होता है, कोई ओनरशिप नहीं होती है रिसोर्सेज की. कम्युनिज्म सेज की कॉमन ओनरशिप होगी और एब्सेंस ऑफ सोशल क्लासेस, मनी एंड स्टेट होगी. तो जो एक गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, दैट इज गोइंग टू ओन एवरीथिंग. इंडिविजुअली प्राइवेट प्लेयर्स कुछ भी ओन नहीं करेंगे. सो दे बिलीव दैट पीपल कैन टेक अवे द पावर ऑफ बुर्जुआ क्लास विच इज द रूलिंग क्लास हु ओन्स द मींस ऑफ प्रोडक्शन, और वर्कर्स जो है वो कंट्रोल करें. दैट इज द एंटायर नेशन इज गोइंग टू कंट्रोल द मींस ऑफ प्रोडक्शन. कमिंग टू कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम है. कंट्री के ट्रेड इंडस्ट्री में प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, गवर्नमेंट का कोई उसमें नहीं रहता है रोल, रादर देन बाय द स्टेट. स्टेट का कोई रोल नहीं होता है. प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ सप्लाई डिमांड के बेसिस पे चलती है. लेसेस फेयर पॉलिसी चलती है, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. वन मोर थिंग हियर, कम्युनिज्म जो ये है जिसमें कोई भी वो रूल नहीं कर रहा है, कोई भी ओन नहीं कर रहा है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, उसको कंफ्यूज नहीं करना है फ्रॉम सोशलिज्म. सोशलिज्म इज नॉट द सेम. कम्युनिज्म सेज कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कोई भी ओन नहीं कर रहा है, सब कुछ स्टेट के पास है, इंडिविजुअली नहीं कोई ओन कर रहा है. सोशलिज्म सेज कि ये भी जो रिसोर्सेज हैं इनको इक्वली शेयर होना चाहिए अमंग एवरीवन. गवर्नमेंट सबके साथ इक्वली शेयर करे. ओके, तो सोशलिज्म के साथ कंफ्यूज नहीं करना. ओके, नाउ लेट्स लुक एट कोल्ड वॉर. तो हुआ क्या, पूरा सिनेरियो हम समझते हैं, राइट. नाजी जर्मनी था, हिटलर था, एंड हुआ वर्ल्ड वॉर का, वो हार गए, ठीक है. सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स जो थे ये बड़े प्लेयर्स थे उस टाइम पे, ये एक अलायंस में थे अगेंस्ट नाजी जर्मनी. बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर एंड हुआ इनके रिलेशंस दे बिगन टू क्रैक. ओके, देन व्हाट हैपेंड, ईस्टर्न यूरोप को रशिया, दैट इज सोवियत यूनियन एट दैट टाइम यूएसएसआर, इट सेज कि मैं ईस्टर्न यूरोप को लिबरेट कर रहा हूँ फ्रॉम नाजी कंट्रोल एंड आई एम एस्टैब्लिशिंग गवर्नमेंट्स देयर. बट व्हाट वाज एक्चुअली यूएसएसआर डूइंग, इट वॉज एस्टैब्लिशिंग कम्युनिस्ट डोमिनेटेड गवर्नमेंट. तो हो क्या रहा था, वो पपेट गवर्नमेंट क्रिएट कर रहा था हूज अल्यूजेंस वाज टू सोवियत यूनियन, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली सोवियत यूनियन को ही बिलोंग कर रहे थे वो, राइट. सो व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश, सो यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम, दे फियर दैट कम्युनिज्म विल बी स्प्रेड टू मच अराउंड द यूरोप एंड देन वेस्टर्न यूरोप एंड ऑफकोर्स देन बियॉन्ड टू द वर्ल्ड. सो इन रिस्पॉन्स टू दैट फियर, व्हाट डिड दे डू, यूएस, कैनेडा and Western European Alliance जो भी थे, they made North Atlantic Treaty Organization, that is NATO. NATO बनाया in 1949, 4th April 1949. Okay, why are we saying this? Because Soviet Union, it was trying to spread communism through establishing puppet governments. So as a result of that, to curb that, Americans and the British and the Western Europe, they came together to form NATO in 1949. All right. Now since NATO was established, so USSR was not going to sit idle. USSR को भी कुछ करना था. तो what did Soviet Union do now? Counter करने के लिए उसको Soviet Union ने Warsaw Pact बनाया. Warsaw Pact. This was in response to NATO. Remember that. It is very important. Warsaw Pact बनाया. जो communist dominated nations जो थे, वो Eastern Europe के थे ज़्यादातर. उनके लिए बनाया. और कब बनाया? 1955 में बनाया. 1955. 1955 में वॉर्सो पैक्ट बनाया एंड दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर की बिगिनिंग हम इसी से बोलते हैं, कोल्ड वॉर स्टार्टेड फ्रॉम हियर 1955 वॉर्सो पैक्ट की वजह से. ऑलराइट, देन वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स कौन थे? वेस्ट जर्मनी ने नाटो ज्वाइन कर लिया था. जर्मनी के दो डिविजन हो गए थे तो वेस्ट जर्मनी ने तो नाटो ज्वाइन कर लिया था, राइट. देन कम्युनिस्ट कंट्रीज जो वॉर्सो पैक्ट के अलायंस के अंडर थे, देवर यूएसएसआर, ऑफकोर्स यूएसएसआर स्टार्टेड इट, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड ईस्ट जर्मनी. सो वेस्ट जर्मनी वॉज इन नाटो एंड ईस्ट जर्मनी वॉज इन रशिया अलायंस, दैट इज वॉर्सो पैक्ट, राइट. अब ये कोल्ड वॉर के पूरे टाइम में देख लेते हैं, दिस रेड पार्ट इज यूएसएसआर, दिस ब्लू पार्ट इज नाटो. सो नाटो थोड़ा सा इधर आ गया है टुवर्ड्स रशियन, नाटो स्प्रेड हो रहा था, राइट. सो दैट वाज सोवियत यूनियन कंसर्न, इसी वजह से वो नाटो को फेवर नहीं कर रहे थे, फेवर करेंगे भी नहीं, राइट. नाउ लेट्स लुक एट प्री एंड पोस्ट कोल्ड वॉर इंपैक्ट्स क्या हुआ. ओके, बिफोर वी लुक इनटू पोस्ट, लेट्स लुक इनटू प्री एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड नाटो ने एक नॉन मिलिट्री एंगेजमेंट ही रखा था 68 में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी आई थी. देन इन 78, नाउ दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, इन 1978
नाटो कंट्रीज ने दो कॉम्प्लीमेंट्री एम्स दिए थे ऑफ द अलायंस. वन वॉज टू मेंटेन सिक्योरिटी, द अदर वॉज टू परस्यू डिटेंट. दिस इज अ फ्रेंच टर्म. ये एक नेम दिया गया उस पीरियड में जिसमें यूएस और यूएसएसआर के जो रिलेशंस थे वो इम्प्रूव्ड थे, कंपैरेटिवली काफी बेटर रिलेशंस थे. ये 1978 में दो एम्स दिए थे. रिलेशंस इम्प्रूव होने कब से स्टार्ट हुए थे? 1971 से हुए थे, इन एन एफर्ट टू अवॉइड न्यूक्लियर एस्केलेशन. बिकॉज न्यूक्लियर एस्केलेशन हो रहा था बहुत ज्यादा, तो रिलेशंस बहुत इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही थी. ये 1978 में दो रीजंस दिए गए, टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड टू परस्यू डिटेंट. राइट. बट राइट इन द नेक्स्ट ईयर 1979 में वॉर्सो पैक्ट ने बिल्डअप किया अपना न्यूक्लियर केपेबिलिटीज का. बेसिकली वॉर्सो पैक्ट इज यूएसएसआर एंड द एलाइ नेशंस. राइट. सो वॉर्सो पैक्ट ने अपने न्यूक्लियर केपेबिलिटीज का बिल्डअप करना स्टार्ट किया. ऑफकोर्स अगर यूएसएसआर ने ये किया है तो यूएस चुप नहीं रहेगा. देन नाटो ऑल्सो स्टार्टेड डिप्लॉइंग यूएस क्रूज एंड पेरिशिंग टू थिएटर न्यूक्लियर वेपन्स इन यूरोप, विच आर बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड ऑल. सो दिस पॉलिसी वॉज कॉल्ड डुअल ट्रैक पॉलिसी. राइट. सो दिस वॉज ड्यूरिंग एंड प्री कोल्ड वॉर period. Right. Now what happened post Cold War? Now Cold War ended in 1989. Cold War ended in 1989 with the fall of Berlin Wall. If you want more details on Berlin Wall, then leave a comment in the comment section below and we will release a video on Berlin Wall as well, discussing everything. Now Berlin Wall marks the ending of Cold War. Warsaw Pact dissolved ho gaya 1999 mein, USSR break ho gaya, right? And USSR got divided into Russia and several other countries. Now jo NATO ka main adversary tha wo to Warsaw Pact hi tha. वो तो बंद हो गया, वो तो खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया. राइट. तो अपना पर्पस, नेचर एंड टास्क वर री इवैल्यूएटेड ऑफ नाटो. राइट. नाउ post cold war expansion of NATO, unification of Germany happened. Former East Germany became part of Federal Republic of Germany and the Alliance. 99 mein NATO saw, now in 1999 NATO saw its first broad scale military engagement in Kosovo war, which was against Federal Republic of Yugoslavia. All right. Then all this UN resolution happened to, this section 1244 was signed and all those things happened. So this was first NATO's military engagement here, first military engagement in Kosovo war. Alright, and then expansion hua NATO ne, aur expansion karna start kiya from September 9/11 attacks that happened in US. राइट. सो यहाँ से एक्सपेंशन होना स्टार्ट होता है, और ज्यादा एक्सपेंशन होना स्टार्ट होता है. धीरे धीरे थोड़ा एक्सपेंशन चल रहा है नाटो का, बट यहाँ से बहुत अच्छे से एक्सपेंशन होता है. न्यू मेंबर्स ऐड होने स्टार्ट हो जाते हैं मोर स्पीडली. न्यू मेंबर्स अब टोटल 30 है, दैट इज व्हाट आई सेड, टोटल 30 है. ये किस किस के लिए ओपन है? एनी यूरोपियन स्टेट इन पोजिशन टू फर्दर द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस ट्रीटी एंड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक एरिया. So the North Atlantic area, the area that is around North Atlantic Ocean, उनके अराउंड का है. 1949 में 12 founding members थे, वो हम discuss कर चुके हैं. All these were the founding members. The other members that were added are here. 18 members are now added. Initially look at this, 52 में 155, then 82. Then speedily everything happened. 99 3 members added. 2004 1, 2, and then 5 years. 7 members were added in 2004 itself. Then 2 again here. तो यहाँ से यूक्रेन को ऐड होने की बात स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम 2008-2009, बट यूक्रेन कुड नॉट ज्वाइन देन. बट यहाँ से बात स्टार्ट हो गई थी. मोंटेनेग्रो के जब ज्वाइनिंग हुई तब भी रशिया ने बहुत ज्यादा उसको प्रोटेस्ट किया था. नाउ अगेन नॉर्थ मैकेडोनिया जब ऐड हुआ, अगेन रशिया ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था. तो नाउ रशिया इज अगेंस्ट दिस एक्सपेंशन. मेंबर्स ऐड होते जा रहे हैं, रशिया इज अगेंस्ट दिस एक्सपेंशन एंड रशिया इज गिविंग दिस एज अ रीजन फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट यूक्रेन. Again, we are looking at the map. अब समझ में आ रहा होगा that there are so many countries added to NATO, right? So if we look at the map from here, you see this is Russia, and this entire area is NATO, and this is Europe, and Europe entirely is under NATO. Norway is there, Finland and Sweden are left. That's it. And two countries here. This is Ukraine and this is Belarus. That's it. So almost entire Europe is under NATO, and that is what Russia is against. Okay. Now, this is what I told you, don't confuse the Balkan countries from the Baltic countries. The Europe, Western and Eastern Europe and the Balkans are a part of NATO. Baltic countries are Estonia, Latvia and Lithuania. Okay, these are the Baltic countries, these are the Balkan countries. So this part is called the Balkan countries.
Baltic countries, these are not Baltic countries. Why? Because Baltic Sea is here. Okay, now why Russia hates NATO? This is very important. World War II end hua, right? US or Soviet Union, two superpowers way. We have already discussed this. 91 was Soviet Union collapsed again. 15 new nations bane. Okay, after this, US only superpower rahe gaya. Now, Russia did not like this at all. US was the only superpower here. NATO jo US ke under tha, uska expansion bhi ho raha hai with good speed, right? So, this is what Russia was afraid of and this is what Russia did not like. Now, jo Soviet Union hai, उससे जो नेशंस अलग हुए वो नाटो को ज्वाइन कर लिया एस्टोनिया लात्विया लिथुआनिया 2004 में ज्वाइन किया जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप मिलनी थी 2008 में तब से डिस्कशन में है कुड नॉट ज्वाइन बिकॉज ऑफ मिलिट्री अलायंस सो ये एक इशू है अब ये इतना ज्यादा बड़ा क्यों हो गया इशू क्योंकि अब यूक्रेन की ज्वाइनिंग की बात रह रही है इन नाटो दैट इज द प्राइमरी रीजन नाउ पुतिन इज सेइंग व्हाट डिड पुतिन से He's against NATO's eastward expansion. So NATO is moving toward Eastern Europe, and that is what Putin is against. What does he say? His statement 2021 ka hai. America is at our doorstep with missiles. Now, how will America feel if missiles are deployed at Canada or Mexico's border? So Putin is against that. Putin is saying that you have brought your weapons to my borders. Basically, America has come to my borders. Aur dono superpowers ki aapas mein ek fight hai that we all know. Cold War end ho gaya hai, but still, everyone's fighting for the title of superpower. So if Ukraine becomes a member of NATO, then Russia will be totally encircled, which is not acceptable for Putin. Now, why is it not acceptable? Let's compare the two things. Russia and NATO, right? I'm not comparing Russia to any nation, but to NATO itself. Because NATO hi Russia ke doorstep pe hai. Indirectly US, but yes, NATO is there, right? So there is no comparison between the two. NATO ki combined jo estimated defense expenditure hai, 30 nations ka in 2021 was $1,174 billion. While on the other hand, for Russia, it was only $61.74 billion. You can see the huge difference there, right? Also, if NATO engages in the war directly with Russia, NATO has 33 lakh soldiers at its disposal, but Russia has 12 lakh soldiers. So there is a huge gap. Of course, we are talking about a country and an alliance of 30 other countries, right? But there is a difference. So that is why NATO has also said, if Russia attacks Poland, then we are all going to come together and we are going to attack because Poland is a part of NATO countries, NATO alliance, right? But as of now, Ukraine is not. So that is why Russia has waged this war so that it can stop Ukraine from joining NATO. Now, Russia, what does Russia desire? What are Russia's demands, basically? So Russia is saying that NATO has to stop its eastward expansion in Europe, in East Europe, right? And it is demanding a guarantee from NATO that Ukraine would not be given its membership. That is what Russia is totally against. Other than that, Russia is saying that NATO should retreat to pre-1997 status and stop deployment of weapons in Russia's neighborhood. So that is what we have discussed so far, that the weapons and the bases are being created, and that is what Russia is against. So Russia wants NATO to stop. Now the next question that arises is, okay, Russia is against NATO, right? And NATO is working towards expanding in Eastern Europe, right? But why is Ukraine so willing to join NATO? What is the reason behind it? Ukraine knew that Russia will attack it one day. Why was it so willing to do? Why was it so willing to offend Russia then? Okay, let's look at the reasons. Before 1917, Russia, Ukraine were parts of Russian Empire. It was a big empire. They were both a part of that empire, right? Russian Empire broke up. Russian Revolution hua, uske baad they broke up. Ukraine declared its independence. But then again, it joined Soviet Union in a few years. Then in 1991, again, Ukraine has got independence after disintegration of Soviet Union. Now, there were two parts of Ukraine. One was Eastern, one was Western. So the Eastern part felt closer to Russia in terms of cultural sense as well. And the Western part was more aligned to the rest of the Europe, so the European Union, right? But throughout the years, we have seen that Ukraine and Russia ke jo relations hai, wo thode se kharab ho gaye. And right after Crimea, aur zyada kharab ho gaye. So Ukraine ka inclination jo hai, wo European Union ki taraf aur zyada ho gaya hai. And of course, the ruling government there, uska inclination European Union ki taraf aur zyada ho gaya hai right after Crimea. So that is why Ukraine wants to join NATO, and that is what Russia is against. So now we know the reason why Russia and Ukraine are fighting. If you want more details on this topic, that why Russia and Ukraine are fighting, we have another video on our channel. You can go to that video and have a look there. Now let's look in the diagram here. This is Russia. This is one big country, Russia. This is
यूक्रेन. ओके, सो बिल्कुल बॉर्डरिंग कंट्री है. ऑल दिस एरिया इज नाउ पार्ट ऑफ नाटो अप्रोक्सीमेटली. सो ओनली दिस कंट्री इज लेफ्ट टू ज्वाइन नाटो. दैट इज वाई रशिया इज अगेंस्ट इट, एंड दैट इज वाई यूक्रेन वॉन्ट्स टू ज्वाइन टू डिफेंड इट सेल्फ फॉर इट्स सिक्योरिटी पर्पसेज, राइट. ये सारा पार्ट है. एंड देन क्रिमिया, आई कीप ऑन सेइंग क्रिमिया इज दिस पार्ट दैट रशिया एनेक्स्ड इन 2014. उसके बाद से इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस जो हैं वो और खराब हो गए. ओके, सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, नाटोज अलायंसेस. नाटो इज अ 30 मेंबर कंट्री, बट सिर्फ वो वहीं तक लिमिटेड नहीं है उसका स्कोप, उसके अलायंसेस भी हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. ऑलराइट, सो इट हैज 3 अलायंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट गोज बियॉन्ड 30 मेंबर कंट्रीज, राइट. फर्स्ट वन इज द यूरोप अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, which help partners become NATO members. So the countries which are not members as of now, this council helps them to become the members, right? 20 non-NATO countries jo hai wo iska part hai, is council ka part hai, which again they support NATO's purpose. So ek cooperative alliance ho gaya NATO ke saath. So we can indirectly say that NATO is not just limited to 30 member countries, but these 20 non-NATO countries as well, right? And this alliance was made in 1991. So first alliance that we have seen here is Euro-Atlantic Partnership Council, 20 non-NATO members. The next two alliances, let's have a look at that. The Mediterranean Dialogue, it is to stabilize the Middle East. Non-NATO members are Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Mauritania, Morocco, and Tunisia. Began in 1994, second alliance. Third alliance is Istanbul Cooperation Initiative, peace throughout larger Middle East region. 4 members of Gulf Cooperation Council hain, Bahrain, Kuwait, Qatar and the United Arab Emirates, UAE, 2004. This cooperation initiative began in 2004. Okay, so these are the 3 alliances. Apart from that, now again, NATO is not limited to these 3 alliances only. There are a lot of members in these alliances. NATO has 30 members. Apart from that, it has another association, also cooperates with 8 other countries in joint security issues. Again, security issues. 5 एशिया पैसिफिक कंट्रीज. नाउ एशिया पैसिफिक रीजन को भी टारगेट कर रहा है नाटो थ्रू दिस अलायंस, राइट. व्हाट कंट्रीज आर देयर? ऑस्ट्रेलिया, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया. नाउ दिस रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज साउथ कोरिया, प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस विद नॉर्थ कोरिया. ओके, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, दीज आर द 5 कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन. देन साउथ अमेरिका कंट्री इज ऑल्सो देयर, दैट इज कोलंबिया. देन 3 कोऑपरेटिव कंट्रीज इन मिडल ईस्ट आर अफगानिस्तान, इराक एंड पाकिस्तान. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाई पाकिस्तान हियर? So when this was made, when this started happening, India's inclination was more towards Russia. So US ko ek apni presence chahiye thi in Southeast Asia as well. That is why Pakistan came into picture. And at that time, US was also having interest in Afghanistan, right? Now it's not there, but at that time it was there. So uske liye bhi Pakistan was important because India was not in the picture at that time. Okay. So our question comes now. Since India's relations with US are improving, does India want to join NATO? No. India has never ever shown interest in NATO or CIATO for that matter. We will discuss CIATO, what is it? Due to the development of non-alignment, which gave it a way of staying out of the alliances. So India is not a part of any of these sort of alliances. No blocs, Western Bloc of Europe or Eastern Bloc of Europe. India is not a part of those. And India still has faith in the non-alignment. So in that sense, India does not take side of any of these blocks or the alliances. And that is why India has also refrained from voting in UN's meeting and all those places, right? What is CIATO? NATO we have seen. NATO is Cooperative Defense System of North America and Europe, right? Now CIATO is again South Asia, Southeast Asia Treaty Organization, again collective defense in Southeast Asia. So India is not a member of even this. So even when India is a part of Southeast Asia, India is not a part of this alliance, this organization. Okay, now what about Pakistan? We just saw that Pakistan was a member of those 8 countries which had close relation with NATO, right? So what is that? Pakistan is not a member of NATO. Don't confuse it that Pakistan is a member of NATO. Officially, it is not a member of NATO, but it has a major non-NATO. Non-NATO means the people who are not part of NATO. Non-NATO ally, but it is an ally of NATO, okay? Status, major status, this is a major status, major non-NATO ally status Pakistan holds. What does that status mean? Allows Pakistan to buy exclusive military equipment Pakistan can buy in large quantities from US,
from the US or NATO countries. So Pakistan does have that benefit of being major non-NATO ally status, having that status. Okay, now recent developments with India. So in September 2011, NATO alliance invited India to be a partner in its ballistic missiles defense. Okay. Second thing is, in 2016, US recognized India as a major defense partner. Recognized India as a major defense partner. Okay, so this is very important. India's relations with USA has improved a lot in the past few years. So in under this, India does not become a member of NATO again. So agar India pe attack hota, the US is not going to send its defense system here, its military here, right? But India can also purchase equipments from US in large quantities now. So India has become an ally in that sense. Okay, so NATO, US ki jo relations NATO ke saath hai, US wahi relations India ke saath bhi ab establish kar raha hai. But wo same applicable nahi hai ki US aayega agar India pe attack hoga to. But other than that, India can buy defense equipments, weaponry and all those sort of things. Right? So these are the recent developments with India. I hope आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा. नाटो में वट एवर वॉज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो. अगर आपको और किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो यू कैन लीव दैट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, राइट? एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. You can follow us on Facebook, Instagram and Telegram. इस वीडियो का PDF if you want, you will find that on our Telegram channel. Okay, this is me, and if you like this video, please give it a like, a thumbs up, and share it with your friends as much as you can, and of course subscribe to our channel to get notifications for videos like this. Bye bye, thank you.